तो बच्चों आज हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे, बीजी गंधकों का भाग, ठीक है ना। इसके पहले हम लोगों ने किस तरह के भाग पढ़े थे, संख्याओं के भाग। कैसे भाग पढ़े थे, संख्याओं के भाग पढ़े थे। जैसे 200 में भाग हमने दिया पांच का, है ना, तो ऐसे देते थे भाग। ये बताइए, पता है, फिर हम लोग इसको इस तरह से लिखने लगे 200/5, ठीक। अब हम इसका भाग देंगे, अब हम भाग देंगे बीजी गंधकों का, ठीक है ना। चलो कौन सा प्रश्न हम लोगों को करना है, भाग कितने का देना है, एक्स प्लस चार का हमें भाग देना है। बहुत ध्यान से देखना, देखो समझ में नहीं आएगा, नहीं तो अगर मिस कर दोगे थोड़ा बहुत। देखो हम संख्या कैसे लिखेंगे, ये तो मेरा भाग हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और इसके बाद भाग हमें जिसका देना है उसको हम लिख लेंगे इधर, ठीक है, एक्स प्लस 4, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस संख्या का भाग किसमें देंगे, इसमें देंगे। पहली पहली संख्या हम लोग पकड़ते हैं सबसे पहले, दोनों पदों की हम कौन सी संख्या लेते हैं, पहली वाली। अब ये x की घात 2, इसका भाग हम देंगे, इसमें x का भाग दे देंगे, x का भाग इसमें दे देंगे, ठीक है। तो हमने आसानी के लिए इधर लिख दिया, तो ये 1x बचा, ठीक है, तो ये मेरा 1x बचा, वही 1x हमने कहा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इस x का इसमें क्या कर लेंगे, पूरे में गुणा गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करके यहाँ पे लिख दो, x का x में क्या होगा, x की घात 2, प्लस का लग जाएगा चिन्ह, और फिर x का 4 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग भाग में क्या करते हैं, भाग में घटाते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम लोग घटाएंगे, और घटाने के बाद क्या करेंगे, घटाने जैसे ही घटाते हैं वैसे ही चिन्ह यहाँ के बदल जाते हैं। तो ये यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस का चिन्ह, तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह तो क्या हो गया, माइनस, ठीक है। अब ये दोनों संख्याएं देखो कट गई, ठीक है। अब 9x प्लस का है 4x माइनस का, 9 में से 4 गया कितने बचे, 5x। अब ये तो 20 है, वो नीचे आ गया चिन्ह साइड, चिन्ह को हमें कहीं नहीं छोड़ना है। हाँ, अब देखो फिर से वही काम करेंगे, इसकी जो पहली संख्या थी x, इसका भाग किसमें देंगे, अब 5x, तो दे देते तो अगर सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो अलग अलग दे दो, ठीक है। तो ये x से x संख्या कितना होगा, 5, यही 5 मेरा ऊपर लग जाएगा। अब की बात, इस 5 का हम इस पूरे में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो गुणा करके लिख दो, 5x प्लस 5 देखो 20। अब भाग में हम क्या करते हैं, इसके बाद घटाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे घटाने पर, ठीक है। अब घटाएंगे तो चिन्ह कैसे हो जाएंगे, बदल जाएंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस का प्लस का माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस का माइनस, ठीक है। और ये दो संख्या है, इसमें मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया, और भागफल मेरा कितना आ गया, ये मेरा क्या आ गया, भागफल, समझ गए सब लोग।